गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट और चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। ओके, चैप्टर नेम इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। इसमें बेटा कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी और डिफरेंशिएशन फाइंड करना, और इसमें फिर आपका रोले थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये टॉपिक आएंगे। तो टॉपिक वाइज हम इनको करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन आपको करना सिखाऊंगा, क्योंकि क्लास 11th में भी आपने थोड़ा डिफरेंशिएशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो डिफरेंशिएशन है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, यू नो वेरी वेल, एन एक्स एन माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स लॉग ए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये फॉर्मूले सब आपको अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको अच्छी तरह से याद करने हैं। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, हमने क्लास 11th में अच्छी तरह इनको कर चुके हैं हम इसको, ठीक है ना, प्रूव हम कर चुके हैं इन सभी को। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और दो फॉर्मूले थे, एक प्रोडक्ट रूल और एक कोशेंट रूल। मीन्स प्रोडक्ट, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू v, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, पता है ना, पहला फंक्शन ऐसे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। ऐसे u अपॉन v है, जो डाउन साइड डेनोमिनेटर में फंक्शन है, मतलब v का स्क्वायर, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अच्छी तरह से। तरीका भी देख लीजिए, आपको सिंपल नजर आ जाएगा। जैसे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो cos इनवर्स में माइनस लग जाएगा, tan का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो cot में माइनस लग जाएगा। तो इस तरीके से अपना तरीका बना के आपको फॉर्मूलों को याद करना है, राइट। अब करते हैं, एक चैन रूल आपने पढ़ा होगा बेटा क्लास 11th में, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं चैन रूल कौन क्या है। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन है, फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन e पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने फंक्शन है, देखो अगर मैं नॉर्मली y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के। और जब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, डी वाई ओवर डी एक्स का मीन्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, डायरेक्ट हमें पता है, ठीक है। अब चेन रूल क्या होता है, जहां पे एक्स की जगह पे कुछ हो, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन इन फंक्शन भी मैं इसको बोलता था, याद है ना। देखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मीन्स क्या होता है लाइन का, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, वाई क्या करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से क्या है हमारे सामने, ऐसे लिखिए डी डी एक्स ऑफ किसका, साइन ई पावर एक्स। ओके, डी डी एक्स ऑफ साइन, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा, ई की पावर। अब यहां पे एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है,
मैं आपने आपसे ही क्वेश्चन पूछना है कि भाई एक्स की जगह क्या लिखा, ई पावर एक्स, तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन, राइट। तो चेन रूल हमें इस तरह करना है, आपको पता भी है, पहले भी मैंने बता के रखा है, अब ढंग से सीखना, ओके। अब करते हैं बेटा हम एक्सरसाइज, क्योंकि डिफरेंशिएशन का टॉपिक हम पहले कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.2, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन, एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो ध्यान से, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, देखो ये तो साइन है, और साइन के अंदर एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये फंक्शन इन फंक्शन मतलब चेन रूल है। स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, साइन, तो पहले तो आप बहुत अच्छी तरह से करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। साइन का क्या, सबसे पहले साइन दिख रहा है ना, साइन का क्या होता है कोस, अभी एक्स की जगह पे क्या है, सेम वही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो एक्स की जगह पे लिखा हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस, ये डिफरेंशिएट हो चुका, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। अब ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो आप क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, ऐसे तो लिखोगे ना, कॉस एक्स स्क्वायर 5 एज इट इज, इसका क्या होता है 2x, पर x की पावर n का पता है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, जो ये पावर है n, ये तो यहां पे आ जाएगी और इसकी एक पावर घट जाएगी, पता है ना, तो ये पावर नीचे 2 और x की एक पावर गई तो 1, मतलब 2x, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, पता है ना, तो आपका आंसर क्या है, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। तो इस तरह आपको करना है, पहले जो फॉर्मूले है वो अच्छी तरह से याद करना है, और जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा उनको प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है आपको, चलो कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, राइट। इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन पता ही है आपको। अब वाई का क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखा हुआ है कॉस, कॉस और उसका एंगल मतलब एक्स की जगह साइन एक्स, तो कॉस एक्स का पता है क्या है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इज इट इज आएगा। अब डी डी एक्स ऑफ किसका, एक्स की जगह पे क्या लिखा है साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, ये आपका आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरह डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेना, ओके, थैंक यू।